जब मैं सामान्यता देखता हूं तो मुझे चार प्रकार के लोग ही मिलते हैं। या तो उनको ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत है, या उनको हार्मोन्स डिसबैलेंस है, या उनके नर्व में डैमेज हो गया है, या उनके मन की स्थिति ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्तों, इन चारों ही प्रकार की नपुंसकता को ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक नॉर्मल सेक्स के लिए, एक नॉर्मल सहवास क्रिया के लिए चार ऐसी महत्वपूर्ण कौन सी चीजें हैं जिनका नॉर्मल होना बेहद जरूरी है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं चलेगी। तो दोस्तों, एक बेहतरीन सेक्सुअल लाइफ के लिए जो सबसे पहली बात है वो है ब्लड फ्लो का नॉर्मल होना। अगर आपके सिस्टम में ब्लड का फ्लो नॉर्मल नहीं है, अधिक मास्टरबेशन की वजह से आपकी आर्टरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ गए हैं, तो दोनों ही स्थिति में हमारा ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, यानी हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दूसरी बात जो आपकी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ के लिए बेहद जरूरी है वो है हार्मोन्स। अगर आपके अंदर मेल हार्मोन्स कम बन रहा है, यानी टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है, तो आपके अंदर अनेक प्रकार की यौन कमजोरी आ जाएगी। टेस्टोस्टेरोन को आप एक छोटे से ब्लड टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं कि मेरे शरीर के अंदर कितना टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। एक अच्छी सहवास क्रिया के लिए जो तीसरी चीज है वह है नर्व का नॉर्मल होना। दोस्तों, अगर हमारी नर्व डैमेज हो गई है तो उस कारण से भी करंट ठीक से नहीं पहुंच पाता, हमारे मस्तिष्क से मैसेज ठीक से पैनिस तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से तनाव नहीं आता है या बेहद कम आता है। तो नर्व डैमेज के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो है डायबिटीज के कारण। अगर आपको लंबे समय से आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई रहती है तो आपको नर्व डैमेज हो सकता है। अगर आपको कोई चोट लग गई है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कमर में आपकी चोट लग गई है, जिस कारण से आपकी नर्व डैमेज हो सकती हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए जो चौथी जरूरी बात है वह है मन की स्थिति का नॉर्मल होना, यानी कि आप साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत हों। अगर आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है, आपने अपने मन के अंदर सेक्स को लेकर एक तरह का डर बैठा लिया है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मन के तल पर अगर आपको घबराहट है तो इसको मानसिक नपुंसकता कहते हैं। ऐसी अवस्था में भी आपको तनाव बिल्कुल नहीं आएगा और आप एक अच्छा संभोग करने में असफल होंगे। दोस्तों, जब मैं सामान्यता देखता हूं तो मुझे चार प्रकार के लोग ही मिलते हैं। या तो उनको ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत है, या उनको हार्मोन्स डिसबैलेंस है, या उनके नर्व में डैमेज हो गया है, या उनके मन की स्थिति ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्तों, इन चारों ही प्रकार की नपुंसकता को ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये बिल्कुल तय नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर सलाह लें। डॉक्टर आपसे गहराई से बात करेंगे, आपकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आपके लक्षणों को ठीक प्रकार से सुनेंगे, और इन सब से वो समझ पाएंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे पर्सनली सलाह ले सकते हैं, और अगर आप मुझसे वीडियो कॉल के माध्यम से सलाह लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्सुअल वीकनेस को लेकर लाखों नौजवान आज के समय में मायूस हैं। वे अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेके देख चुके हैं, आराम नहीं लग पा रहा है। ऐसे में होम्योपैथिक दवाइयों से उनकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। मैं अपने चैनल हेल्थ इंडिया पर पुरुषों की यौन समस्याओं के ऊपर अपने वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार की यौन समस्या है तो उसकी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं उन समस्याओं के कारण, उनके लक्षण और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।